अ वेरी गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। आज की फर्स्ट न्यूज़ है 52nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग कहाँ पे हुई, न्यू दिल्ली में कहाँ पे, विज्ञान भवन में। और यहाँ पे चेयरमैनशिप संभाली जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन उन्होंने। आज हम रिवीजन बिट्स डिस्कस नहीं करेंगे, एक दो दिन के कुछ पॉइंट्स मुझे लगा कि जो रह रहे हैं वो हम आज के वीडियो में कवर कर लेंगे, राइट? क्योंकि देखिए संडे भी था तो कल कुछ खास पॉइंट्स थे भी नहीं, तो प्रीवियस जो पॉइंट्स रह गए हैं 2-3 दिनों के वो हम यहाँ पे आज कवर कर रहे हैं, फाइन। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस टू बी इनॉग्रेटेड बाय। एक इंटरनेशनल लेवल की रिसर्च कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसका टाइटल है फ्रॉम रिसर्च टू इम्पैक्ट टूवर्ड्स जस्ट एंड रिसिलियंट एग्री फूड सिस्टम्स। ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, ठीक है, इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस है। इसका उद्घाटन किसने किया है, हमारी जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने किया है। ये कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में हो रही है और ये ऑर्गेनाइज की गई है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR के द्वारा, ठीक है ना। नाउ थर्ड पॉइंट हम देखिए, रिसेंटली एक फेयर हम पढ़ेंगे, नेशनल यंग ऑथर्स फेयर कहाँ पे हुआ है, इंडिया में हुआ है, ऑर्गेनाइज किया गया है। अब देखिए नेशनल लेवल का तो ऑब्वियसली इंडिया में ही होगा, है ना, पॉइंट ये नहीं है हमें याद करना है, जो पॉइंट ये है कि ये किसने ऑर्गेनाइज किया है, ब्रे बुक्स के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, जो कि क्या है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिएटिव राइटिंग प्लेटफॉर्म फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। स्कूल के जो बच्चे हैं उनको क्रिएटिव राइटिंग के लिए एक दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट अगर हम देखें, सो ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं जियो मार्ट के, जो कि रिलायंस का है, शॉपिंग स्टोर है, हर एक चीजें यहाँ पे मिलती हैं, जीन्स टॉप कपड़े बच्चों के कपड़े सारी चीजें, है ना। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं MS धोनी, ठीक है। चलिए फिफ्थ पॉइंट हम देखें, सो नाइन्थ G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट P20 कहाँ पे हुई है, न्यू दिल्ली में। इसका थीम क्या रहा, देखिए थीम आ रहा है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। थीम रहा पार्लियामेंट फॉर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, याद रखना है। अब हम देखते हैं आज का सिक्स्थ पॉइंट। इसी के साथ अगेन आपको थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहूंगी कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाएं। ये चीज नहीं होनी चाहिए कि अभी हम देख रहे हैं एग्जाम आ रहा है उसके बाद से नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए वो बाद वाला टाइम है ना, वो कभी भी नहीं आता, तो आपको अभी से एक्टिव होना होगा, राइट। सो सिक्स्थ पॉइंट हमारा है, कौन बनी है प्रेसिडेंट ऑफ AIBD। ये AIBD क्या है, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग। सो AIBD के प्रेसिडेंट बने हैं इंडिया, मतलब इंडिया के पास अभी प्रेसिडेंटशिप आई है, जैसे G20 की प्रेसिडेंटशिप है ना इंडिया के पास, एक साल के लिए नवंबर में खत्म हो जाएगी, तो वैसे ही AIBD की प्रेसिडेंटशिप अब इंडिया को मिली है। AIBD एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग, इसकी फॉर्मेशन 1977 में हुई थी, समझ रहे हैं हम, ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड ये इंस्टीट्यूट है जो एशिया पैसिफिक रीजन में सारी मॉनिटरिंग करता है। इट वर्क्स इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डेवलपमेंट और इसके सेक्रेटरी, मतलब एक तरह से हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, कुआलालंपुर में है, ठीक है ना। अब देखिए इसी के साथ हमारा फर्स्ट पेज हुआ कंप्लीट। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कोई भी फीडबैक हो कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हैं। इसी के साथ देखिए अगर आप चाहें, आपने सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स आप नहीं बना पाए हैं तो आप उसके प्लेलिस्ट पे जाके नोट्स खुद से बना सकते हैं, सितंबर मंथ करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट पे जाके। इन केस टाइम नहीं है तो आप उसके जो PDF है उसके नोट्स की, वो भी अवेलेबल है टू परचेज, तो आप उसे भी परचेज कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रेट पे आपको मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक पे क्लिक करना है एंड देन आपको प्राइस डिटेल्स एंड एवरीथिंग, जो भी डिटेल्स चाहिए वो आपको डिलीवर कर दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब इसी के साथ ज्यादा बातें ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। आज का सेवंथ पॉइंट है, RBI kept the repo rate unchanged at। RBI ने रेपो रेट अनचेंज रखा है, मतलब अभी फिलहाल रेपो रेट चल रहा है 6.5%, एंड इट इज द फोर्थ टाइम RBI हैज kept the repo rate unchanged होगा यहाँ पे, ठीक है, अंच कर लो यहाँ पे। और ये चौथी बार ऐसा हो रहा है कि RBI ने अपना रेपो रेट चेंज ही नहीं किया है, ठीक है। अब एक रिपोर्ट सामने आई है, बाई मंथली मॉनिटरी पॉलिसी, हर दो महीने में जो एक बार रिपोर्ट आती है, मॉनिटरी पॉलिसी आती है, वो रिलीज की गई है RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास जी के द्वारा, और उसी के अंडर जो है ये हमें पता चलता है। अच्छा पहले हम ये जान लेते हैं कि ये रेपो रेट होता क्या है। रेट एट विच RBI लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पे देखिए किसी भी कमर्शियल बैंक को या फिर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पैसा चाहिए तो वो कहां पे जाएगा। अब 100, 1000, 2000, 1 लाख, 20 लाख,
लाख इतना पैसा तो नहीं चाहिए, उनको करोड़ों में पैसा चाहिए होता है, तो उस केस में वो जाते हैं आरबीआई के पास। अब आरबीआई उनको पैसे देगा तो ऐसे तो नहीं देगा कि रख लो बाद में वापस कर देना जब काम हो जाएगा, वो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देता है, इससे आरबीआई की भी इनकम हो जाती है और जो बैंक्स होते हैं जिनको पैसा चाहिए उनके भी पैसों की कमी पूरी हो जाती है। ठीक है, नाउ वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को पैसे देता है उधार पे, ठीक है, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम बोलते हैं रेपो रेट। अब देखिए इसके साथ ही कुछ और टर्म्स भी, जैसे कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है जो कि 6.25% है, एमएसएफ है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, बैंक रेट है, ये दोनों 6.75% पे हैं, तो ये आपको याद रखना है। आपको एक चीज बता दूं कि ये जो सारे टर्म्स है ना आरबीआई का, ये जो मॉनिटरी पॉलिसी से रिलेटेड टर्म्स हैं, ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाई हुई है इकोनॉमिक्स हैंड रिटन नोट्स की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। एक एक टॉपिक मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ाया है, हमारी इंडियन इकोनॉमी अब कंप्लीट हो चुकी है, तो अगर आप अपने आप खुद से नोट्स बनाना चाहते हैं इंडियन इकोनॉमी हैंड रिटन नोट्स की प्लेलिस्ट देखें और शुरू से एंड तक आप नोट्स बनाएं वीडियोस के साथ में, काफी बढ़िया से आपकी एक कॉपी बनकर तैयार हो जाएगी, बस आपको उसी को करंट अफेयर्स के साथ अपडेट करना है और बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, अगर आप नहीं नोट्स बनाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली परचेज करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां जाकर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, 8th पॉइंट हमारा है वर्ल्ड सेरिब्रल पाल्सी डे कब मनाया जाता है, 6 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये है क्या टू रेज, अब क्यों ये डे मनाया जाता है और ये है क्या, ये दोनों चीजें हम पढ़ेंगे साथ में थीम भी। ठीक है, बस आप नोट्स बनाते रहें, जो मैं कह रही हूं उसे ध्यान से सुनते चलें। नाउ ये डे सेलिब्रेट किया जाता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द पीपल लिविंग विद दिस कंडीशन, ये एक कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन है, तो जो लोग इस कंडीशन के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनसे रिलेटेड लोगों में जागरूकता लाने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और सेरिब्रल पाल्सी है क्या, ये एक मेडिकल कंडीशन है जो आपके ब्रेन जब डैमेज हो जाता है या तो बर्थ के टाइम में या उससे पहले, है ना, तो उसकी वजह से होती है, जिसकी वजह से हमारा जो कंट्रोल है आर्म्स पे लेग्स पे वो अच्छे से नहीं रह पाता है। ठीक है, नाउ इस डे का थीम क्या रहा, वर्ल्ड सेरिब्रल पाल्सी डे 6 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसका थीम रहा टुगेदर स्ट्रॉन्गर। राइट, थीम्स आपने याद रखनी है, वैसे हम एक और डे आज पढ़ेंगे, देखते हैं आगे आगे जैसे जैसे चलेंगे आपको समझ में आता रहेगा। फिलहाल देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज अभी हमें डिस्कस करनी है, स्टेट गवर्नमेंट दैट हैज अनाउंस्ड 35% रिजर्वेशन टू वुमेन इन ऑल रिक्रूटमेंट्स, कोई भी रिक्रूटमेंट होगी, ठीक है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये चीज अनाउंस की है कि मध्य प्रदेश में कोई भी रिक्रूटमेंट हो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अलावा, ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अलावा मध्य प्रदेश में कहीं भी कोई रिक्रूटमेंट हो तो उसमें 35% रिजर्वेशन महिलाओं को दी गई है, यानी कि 100 पोस्ट निकल रही हैं तो 35 पहले से ही रिजर्वड है महिलाओं के लिए। अब इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए अमेंडमेंट किया गया किसमें, मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज स्पेशल प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन रूल्स 1997 में। अब ये जो अनाउंसमेंट है कि 35% रिजर्वेशन महिलाओं को देंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अलावा हर एक रिक्रूटमेंट में, वो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने अनाउंस किया है। एडिशनली उन्होंने कहा है कि 50% ऑफ टीचिंग पोजीशंस विल बी रिजर्व फॉर वुमेन, ये जो टीचिंग फील्ड है आपका, जेबीए टीचर्स, हाई स्कूल टीचर्स, ये सारे होते हैं, इनमें 50% सीट्स जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व रखी जाएंगी, मतलब महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए ये चीज की जा रही है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा सेकंड पेज भी हो गया कंप्लीट, बट वेट अभी और भी हमें करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। इसी के साथ देखिए वीडियो के साथ में नोट्स बनाएं और आपको बताना चाहूंगी, आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जहां पे डेली मैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड पोस्ट अपडेट करती हूं, आप चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे जैसे ही कोई वीडियो मैं यहां पे अपलोड करूंगी उसका लिंक वहां पे शेयर कर दूंगी, जैसे कि आप लोग कहते हैं कि आपको नोटिफिकेशंस नहीं आती तो ये प्रॉब्लम फिर आपकी वहां पे सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना, तो चलिए अब हमारा ये जो सेकंड पेज था ये भी हो गया कंप्लीट, अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। आज का 10th पॉइंट है नेशनल डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्यों, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ द नेशनल एक्वेटिक एनिमल, जो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है यहां से हमें समझ आ रहा है कि डॉल्फिन ही है, तो उसे कंजर्वेशन की जरूरत है इस चीज से रिलेटेड लोगों में जागरूकता लाने के लिए। अब देखिए इसी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हम इस पॉइंट में डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से सुनते रहें जो जो मैं पढ़ा रही हूं और अपने नोट्स मेंटेन करते रहें। देखिए 2022 में डिसाइड किया गया कि नेशनल डॉल्फिन डे आज से सेलिब्रेट किया जाएगा, मतलब इस साल से सेलिब्रेट किया जाएगा, किसके द्वारा, द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के द्वारा। अब जो ये गैंगेटिक डॉल्फिन है इसे डिक्लेयर किया गया नेशनल एक्वेटिक एनिमल 2010 में, तभी यहां पे डॉल्फिन की जगह इन्होंने इनडायरेक्टली लिखा था कि हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ द नेशनल एक्वेटिक एनिमल।
नो, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? डॉक्टर आर के सिन्हा हैं, इन्हें डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, जो कि फॉर्मर प्रोफेसर हैं ऑफ जूलॉजी इन पटना यूनिवर्सिटी। अब तो चलिए, फॉर्मर प्रोफेसर मतलब वहां पे एक टाइम पे ये टीच कर चुके हैं, प्रोफेसर रह चुके हैं। तो डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर आर के सिन्हा, ये आपको पता होना चाहिए। एंड द प्रेजेंस ऑफ डॉल्फिन इन अ रिवर सिस्टम शोज इट्स गुड हेल्थ। अगर डॉल्फिन किसी रिवर सिस्टम में मिल रही है, इसका मतलब जो रिवर्स हैं वो अच्छी हैं, साफ सुथरी है ना, उनकी हेल्थ के, रिवर्स की हेल्थ के बारे में बताती है डॉल्फिन की प्रेजेंस। एंड रिकोगनाइज एज, अब देखिए जो डॉल्फिन हैं ये रिकोगनाइज की गई हैं एज हाईली एंडेंजर्ड इन शेड्यूल वन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, चलिए 10th पॉइंट हो गया, 11th पॉइंट देखते हैं। अगेन कुछ रिजर्वेशन का ही देखेंगे, जैसा अभी हमने देखा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का। अब बात करेंगे स्टेट गवर्नमेंट दैट हैज अनाउंस्ड 10% रिजर्वेशन फॉर EWS इन जुडिशियल सर्विसेज। EWS क्या है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, है ना। अभी हमने पढ़ा था, ये एक्ट भी पास हुआ था कुछ साल पहले, फिर इसके ऊपर बहुत बड़ा इशू चला था, आई थिंक 2019 में आया था ये, है ना। सो ऐसी कौन सी राज्य सरकार है जिसने अनाउंस किया है कि जो EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें 10% रिजर्वेशन मिलेगा जुडिशियल सर्विसेज में? वो बिहार गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। इसी के साथ उन्होंने अमेंडमेंट की है गाइडलाइंस ऑफ द स्टेट जुडिशियल सर्विसेज 1951 के अंडर। ठीक है, 12th पॉइंट अगर हम देखें तो रिसेंटली वाइल्ड लाइफ वीक का सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ है, और ये जो वाइल्ड लाइफ वीक है ना, इट स्टार्ट्स एवरी ईयर ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी का जब बर्थ एनिवर्सरी होता है हर साल, तब जो है वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट करना स्टार्ट हो जाता है। कब होता है? ऑब्वियसली 2 अक्टूबर को ही होगा, कभी मंडे को आएगा ये दिन, कभी संडे को आएगा, कभी थर्सडे को आएगा, पर 2 अक्टूबर ही रहेगा, है ना। तो 2 से 8 तक जो है आपका ये वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेटेड टू फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ अहिंसा एंड कंपैशन फॉर ऑल लिविंग बींग्स। जिन प्रिंसिपल्स को महात्मा गांधी फॉलो करते थे उन्हीं प्रिंसिपल्स को यहाँ पे फॉलो किया जाता है। सेलिब्रेटेड बाय नेशनल जूलॉजिकल पार्क। ये चीजें ना आपको याद रखनी होती है, कौन सेलिब्रेट करवाता है, कब से स्टार्ट हुआ, ऐसी कुछ चीजें। तो नेशनल जूलॉजिकल पार्क के द्वारा ये वीक सेलिब्रेट किया जाता है, 2 से 8 अक्टूबर 2023 में किया गया। थीम रहा इसका इस साल का पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक है ना, चलिए अब हम पढ़ेंगे आज का 13th पॉइंट, बट ये हमारा लास्ट पॉइंट नहीं है, अभी एक पेज के करंट अफेयर्स और पढ़ने हैं, तो आपको थोड़ा सा और पेशेंस मेंटेन रखने की जरूरत है। और आज देखिए हम सिर्फ पॉइंट्स से डिस्कस कर रहे हैं, जो एक दो दिन के मुझे लगा कि छूट गए हैं, तो सारे रीसेंट हैं ये, ऐसा मत सोचिएगा एक दो दिन का मतलब एक दो महीने नहीं होता है। आप लोगों के कमेंट आ जाते हैं, मैम ये एक दो दिन पहले के हैं तो आज के कहाँ हैं? अरे भाई आज के हैं, ठीक है। आप पढ़ने पे फोकस करें, पॉइंट्स पे फोकस करें, इन चीजों पे फोकस ना करें, क्यों कहाँ किस लिए। आप लोगों के बहुत ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं कमेंट्स में, ये भी आते हैं मैम केमिस्ट्री चालू रखें, मैम बायो चालू रखें। मैं उन्हें अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से ऑब्वियसली चालू रखूंगी। बीच में हो जाता है कई बार वीडियोस नहीं अपलोड हो पाती हैं, 10-15 दिन में कुछ ना कुछ काम आ जाता है, है ना। तो आप थोड़ा समझें उस चीज को, और कंटिन्यू रहेंगी, ठीक है। आप इतनी टेंशन ना लें इस चीज की। नाउ 13th पॉइंट हमारा है आदि महोत्सव, जमशेदपुर झारखंड में सेलिब्रेट किया जाएगा, उद्घाटन किया गया यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। कौन है? अर्जुन मुंडा है। और ये जो आदि महोत्सव है, इस इंग्लिश में बोल सकते हैं द नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल। इसी के साथ आदि महोत्सव, नदी महोत्सव 2023 न्यू दिल्ली, ये हमारा आज का एक रिविजन पॉइंट है, ठीक है। चलिए इसी के साथ अगेन नोट्स बनाएं, बार बार कहती हूं, ताकि जो लोग यहाँ पे पहुंचे हैं स्क्रीनशॉट से काम चला रहे हैं, देखिए लॉन्ग टर्म इससे काम नहीं चलेगा, फोन से तो आप स्टडी कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल होता है जो नोटिफिकेशंस हैं वो बंद कर पड़े इसका बड़ा रहता है ना। तो या तो नेट ऑफ कर लो, एयरप्लेन मोड पे डाल लो, उसके बावजूद भी दिमाग इधर उधर भटक ही जाता है। तो आपको बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करना है, आज के डेट में इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शंस है, कहां जाए बच्चा भी, है ना। तो आपने थोड़ा कंट्रोल करना है और नोट्स बनाने हैं, ताकि आप रिविजन जो है आराम से अपनी ऑफलाइन मोड में नोटबुक से कर सकें, ठीक है। तो चलिए अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। चलिए नाउ दिस इज द लास्ट पेज, इसी के साथ हमारे करंट अफेयर्स हो जाएंगे कंप्लीट। सो फटाफट से पढ़ते हैं। 14th पॉइंट है 7th इंडिया यूरोपियन यूनियन साइबर डायलॉग, एक तरह से मीटिंग है, कॉन्क्लेव है, कहां पे हुई है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुई है। 7th एडिशन है इंडिया और EU का साइबर डायलॉग है, साइबर माने साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज यहां पे डिस्कस किए जाएंगे। टू डिस्कस अ वाइड रेंज ऑफ साइबर स्पेस रिलेटेड इश्यूज, याद रखना है, ठीक है। 15th पॉइंट हमारा है एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस, 2 दिनों की कॉन्फ्रेंस है, न्यू दिल्ली में हुई है, NIA के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई। NIA क्या है? द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसमें भी इतना ही है पढ़ने के लिए, तो आपने याद रखना है। 16th पॉइंट है 50th इंडिया इंटरनेशनल निट फेयर 2023, कहां पे होगा? तिरुपुर तमिलनाडु में।
और किसके द्वारा ये जो है ऑर्गेनाइज किया जाएगा, IKFA। अब ये IKFA क्या है ये यहाँ आपको पता चलेगा, ये जो तमिलनाडु में हो रहा है, तमिलनाडु में ये होगा इंडिया निट फेयर एसोसिएशन कॉम्प्लेक्स में। तो यहां से आप IKFA के फुल फॉर्म भी समझ गए, इंडिया निट फेयर एसोसिएशन के द्वारा ये ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। इसका थीम रहा एक्टिव एंड स्पोर्ट्स वियर, एनवायरमेंटल, सोशल गवर्नेंस, AI एंड डिजिटलाइजेशन, मतलब इन टॉपिक्स पे थोड़ा वहां पे बातचीत की जाएगी। नाउ 17th पॉइंट हमारा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप ध्यान से सुने। इवन जितने भी पॉइंट्स हमने आज डिस्कस किए हैं, हर एक पॉइंट आप देखेंगे उसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस की झलक आपको दिखेगी, है ना, तो बस ध्यान से आप नोट्स बनाएं। नाउ 17th पॉइंट है, बांग्लादेश रिसीव्ड यूरेनियम फॉर इट्स रोपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट फ्रॉम विच कंट्री। बांग्लादेश को यूरेनियम मिला है कहाँ से, देखिए रशिया से, किसके लिए, इनका जो रोपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके लिए। इसी के साथ आप देखिए इन्होंने अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टार्ट कर दिया, इसी के साथ बांग्लादेश बन गया 33rd न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूसिंग कंट्री इन दी वर्ल्ड विद दिस प्लांट। इस प्लांट के लगने से ये भी जो है उन नेशंस के लिस्ट में इसका नाम आ गया है बांग्लादेश का, जो न्यूक्लियर पावर जो है प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। 18th पॉइंट आप देखेंगे, छोटा सा है, वर्ल्ड स्माइल डे 6 अक्टूबर को मनाया जाता है, लोगों का जो बिजी लाइफ, बिजी शेड्यूल चल रहा है उसमें स्माइल की इंपॉर्टेंस बताने के लिए। ऐसा मुझे थीम तो नहीं मिला, आपको मिलता है तो आप लिख सकते हैं, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जस्ट ऐसे ही आप देख लें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है इंडियाज फर्स्ट ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट, इंडिया की पहली ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली आर्कियोलॉजिकल साइट, शोर टेम्पल मम्मलपुरम तमिलनाडु में, ऑल्सो अ रिनाउंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, एक यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इसी के साथ हमने क्या पढ़ा, इंडिया की पहली ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट, मतलब ऐसी आर्कियोलॉजिकल साइट जहां पे ग्रीन एनर्जी की प्रोडक्शन हो रही है। तो देखिए शोर टेम्पल में क्या है, 3 सोलर पावर प्लांट्स लगाए गए हैं 10 kW के, टू मीट द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द साइट, मतलब यहाँ पे जितना भी बिजली चाहिए होती है वो खुद से ही बन जाए, ये टारगेट है। अब एनर्जी जो है इन पावर प्लांट से जो आएगी, दैट विल बी यूज टू इल्यूमिनेट द टेम्पल, है ना, टेम्पल में लाइट्स वगैरह ऑन करने के लिए, इज जनरेटेड थ्रू सोलर पावर प्लांट्स, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स हुए कंप्लीट। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप टेलीग्राम अकाउंट ज्वाइन कर सकते हैं, GS हैंडरिटन नोट्स परचेज कर सकते हैं, हर एक चीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसी के साथ कोई भी फीडबैक हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सो दैट्स इट एंड सी यू सून।